नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कभी कभी हमसे गलती से कुछ ईमेल्स डिलीट हो जाते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत होती है, लेकिन हमें कुछ ईमेल्स की ज़रूरत होती है लेकिन हम उनको रिकवर करना चाहें तो कैसे करें। तो आज हम आपको मोबाइल के अंदर बताएंगे अगर आपकी गलती से ईमेल्स डिलीट हो गए हैं तो आप पर्टिकुलर उस फंक्शन में जाकर अपने मेल को चेक करके रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने जीमेल के ऐप के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। ऐप के अंदर आपको लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर आपने कोई मेल गलती से डिलीट कर दिया है तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक मेल खोलता हूँ, ठीक है, ये मेल है तो मैं यहाँ पर गलती से यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है परमानेंटली। अब दोस्तों अब इसकी ज़रूरत है आपको, तो आप कैसे आप इसको रिकवर करें, तो आपको कुछ नहीं है, आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है। आपको थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी फंक्शन दिखेंगे, इसमें आपको दिखेगा ट्रेस। तो देखिए दोस्तों ये एक ऐसा फंक्शन है जितने आपने ट्रेस की गए मेल तो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर अभी 10:56 पर ये इसको डिलीट किया है ना, तो यहाँ पर मैं इसको रिकवर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ। तो देखिए ई मेल है, अब मुझे रिकवर करना है तो कैसे करें, इसको रिस्टोर कैसे करें, तो मैं बैक जाता हूँ एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड थ्री डॉट है तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर रिकवर करने के लिए यहाँ पर अभी कोई फंक्शन दिख नहीं रहा, तो आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपनी ही मोबाइल की ईमेल आईडी डाल दें, है ना। तो यहाँ पर मैं मोबाइल की ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा ये उस ईमेल आईडी पे जहाँ पर हम इस ऊपर ऐसे हम सेंड करते हैं। देखिए ईमेल है और हम यहाँ लिख देते हैं, ट्रेस फाइल ठीक है, रिकवर करने के लिए पहचान बनाने के लिए इसकी। एंड यहाँ पर इसको कर देते एरो से हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेंड हो चुकी है फाइल, अब यहाँ पर कोई फंक्शन तो हमको दिख नहीं रहा तो हम इस तरह से करेंगे काम। तो ये कि यहाँ पर आया हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, देखिए ट्रेस लिखा हुआ है, ये आसानी से हमने इसको रिकवर कर लिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रीस्टोर का फंक्शन कंप्यूटर लैपटॉप में आता है लेकिन इस मोबाइल में अभी शो नहीं हो रहा, अगर होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी बात आपको बता दें, दूसरी बात एंड यहाँ पर ट्रेस है, ट्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्टी ट्रेस पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये मेल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यदि अगर आप 30 दिन तक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कैसे चेंज करना है वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।